हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। रश्मि की फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की मसाला पूड़ी। अगर आप आलू की कचौड़ी, आलू के समोसे, आलू की पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो ये आलू की मसाला पूड़ी आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कर लेना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दिवाली से स्पेशल रेसिपी चैनल पर आ चुकी है तो जरूर देखना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये आलू मसाला की फूली फूली खस्ता पूड़ियाँ। तो सबसे पहले मिक्सी जार में मैंने एक चम्मच जीरा ले लिया और एक चम्मच यहाँ सौंफ ली है, तो इससे जो पूड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ चार मैंने हरी मिर्च डाल दी और अदरक के टुकड़े दो। अब इनको हल्का दरदरा मुझे पीस लेना है इस तरीके से, देखिए। अब चलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, दो उबले हुए आलू लिए हैं, मैं उसको कट करके डालना है। तो मैं एक और इसमें आलू ऐड करूंगी, तो मैंने टोटल इसमें तीन आलू लिए हैं मीडियम साइज के, तो इसको कट करके डाल दूंगी। अब इसमें पानी डालकर इसका अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। तो हल्का पानी और लगेगा तो और डाल सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए परात में निकाल ली। अब मैं डालूंगी इसमें देखिए अजवाइन, तो अजवाइन को क्रश कर देंगे और इसमें डाल देंगे ये। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, तो अच्छे से चटपटी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो इसमें धनिया मसाला मैंने एक चम्मच डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, और इसमें मैंने दो चम्मच लिया है ये सफ़ेद तिल, तो ये मीडियम जो तिल होते हैं तो मैंने ले लिया। और इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच गरम ऑयल, जिससे हमारी जो पूड़ियाँ हैं एकदम से क्रिस्पी करारी बनेंगे। और मैंने डाल दिया यहाँ पे हरा धनिया, और यहाँ पे मैं डालूँगी नमक। अगर आप सब्जी के साथ बना रहे हैं तो नमक कम डालिए, अगर चाय के साथ बना रहे हैं थोड़ा हल्का सा ज़्यादा नमक डालिए। तो इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स सभी चीज़ों को। अभी मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी आटा, तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो एक कटोरी और लगेगा तो और ले लेंगे। तो अब इसका अच्छा सा आटा लगाना है, जिस तरीके से पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरीके से अच्छा सा इसका आटा लगा लेना। और बीच में आटा जो लगेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा देखिए आटा और लगा है, टोटल सवा कटोरी इसमें आटा लग गया है। तो इसका अच्छा सा देखिए आटा लगा लिया है, और इसमें ऊपर से ऑयल लगाकर इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक के। आटा यहाँ सेट हो चुका है, अच्छे से इसको मसल लेंगे आटे को। तो इस तरीके से देखिए 2 मिनट इसको मसल लिया। आप बड़ी सी लोई लेंगे, और बड़ी सी लोई लेने के बाद इसको चकले पर अच्छे से देखिए प्रेस करते हुए, अब एक रोटी बेलनी है, बड़ी सी रोटी जैसे बेलते हैं। परथन लगा लिया है इसमें, सूखा आटा मैंने लगा लिया है, और बड़ी सी इसकी रोटी बेल लेनी है। तो इस तरीके से देखिए तैयार करनी है ये पूड़ियाँ, बड़ी ही टेस्टी बनती हैं। इसको सफ़र में ले जाएं, दही चटनी अचार किसी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सुबह नाश्ते में बनाएं, डिनर में बनाएं, लंच में बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया बनती, ज़रूर बनाकर देखना। और त्योहारों से स्पेशल कभी भी बनाइए। तो इस तरीके से रोटी देखिए मैंने बेल ली है, तो आप कटोरी एक साइज की बने तो आप कटोरी कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके से कट कर दीजिए, और इससे जल्दी भी हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हटा लेंगे, आटे में लगा लेंगे, दूसरा बेलेंगे, उसके साथ बेल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। तो आप थोड़ी बना लें, जैसे ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बनाकर इसमें तुरंत के तुरंत देख सकते हैं। तो मैंने तैयार कर ली हैं यहाँ पर बेल कर, अब इनको फ्राई करना है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने पालक की पूड़ियाँ बना ली हैं, तो मैंने एक रेसिपी तैयार की थी, इसकी रेसिपी चैनल पर आ चुकी है, तो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर देखना। चलिए तलते हैं पूड़ियाँ। तो इधर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, और पूड़ी को डाल देना, और हल्के हल्के कलछी से दबा रहना है, एकदम से फूल के और ऊपर आती है पूड़ियाँ, तो बहुत ही अच्छी खस्ता पूड़ी बनती हैं। और एक्स्ट्रा करारी आपको चाहिए तो देखिए जब फूल जाती है ना, तो इसको एक मिनट पड़ी रहन देना है बिल्कुल लो गैस पर, तो बहुत ही करारी बनती हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा करारी नहीं बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने देखिए हाई गैस पर इसको सेका है। तो इस तरीके से देखिए बढ़िया से खस्ता पूड़ी बनकर रेडी है। इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ मैंने बना ली हैं, तो अपनी किचन में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये पूड़ियाँ। इसी तरीके से मैंने देखिए पालक की पूड़ियाँ को बना लिया है, तो देखिए है ना कितना आसान। तो ज़रूर ये बनाना, ये आलू की मसाला पूड़ी, तो इन्हें बनाना बहुत आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ ये देखिए आलू मसाला पूड़ी बना ली हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया खस्ता फूली फूली पूड़ियाँ बनकर हैं तैयार। तो मैंने इसके साथ बनाई है आलू मटर की सब्जी, थोड़ा सा मैंने इसमें पनीर डाला है। इन मसाला पूड़ी को आप चटनी दही अचार किसी के भी साथ खा सकते हैं। इन पूड़ियों को आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में
बनाइए या आप सफर में ले जाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। 3-4 दिन तक तो जरूर बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस दिवाली त्योहार पर ये देखिए बनाइए पूड़ियां आलू की। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जरूर कॉमेंट में बताना कि आपको ये देखिए आलू की मसाला पूड़ी आपको कैसी लगी है। तो जरूर कमेंट में बताना, पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।